खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां पर विगत दिनों पूर्व सैनिक अरुण कुमार गौतम कमांडो, जो भारतीय सेना से रिटायरमेंट होने के बाद समाज सेवा में लगे थे, जिन्हें साजिश कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और उन पर रासुका के तहत कार्यवाही की गई थी। जेल से छूटने के बाद कमांडो अरुण गौतम ने कहा कि उन्हें जेल जाना जरूरी था और अब जनता का विश्वास उन पर और बढ़ा है और जनता समझ गई कि कमांडो लोहा है। श्री गौतम ने कहा कि साजिश कर उन्हें फंसाया गया, अब वह जन मिलन कार्यक्रम रखेंगे, साथ ही त्योथर जोड़ो यात्रा और जिला बनाने की मांग की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि कमांडो के नाम से जाने जाने वाले अरुण गौतम लगातार क्षेत्र में लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अपने उग्र प्रदर्शन और बढ़ती लोकप्रियता के चलते शासन प्रशासन की आंख की किरकिरी बनी और धड़ाधड़ उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए। कमांडो जमानत पर छूटे हैं तो उनके समर्थकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। अरुण कुमार गौतम चिरहुला मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अरुण गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नाम है कमांडो अरुण गौतम। देखिए, हमारे ऊपर कोई ग्रहण नहीं लगा था, जो कार्य होता है अच्छे के लिए होता है और जेल मुझे जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था जेल है क्या। पहले तो हमको ये सीख मिली कि जेल में जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और जेल है क्या। दूसरा चीज, शासन प्रशासन मेरे ऊपर 107-16 सहित 16 मुकदमे कायम किए। 107-16 जब मैं सेना में था 2016 में, हमको उसका पता भी नहीं है, लेकिन इनको एक कालम पूर्ति करना था रासुका लगाने के लिए, तो इन्होंने कैसे किया क्या नहीं किया हमको तो खुद नहीं पता है। मैं जिस दिन से सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, उस दिन से लेकर के 11 महीने कंटिन्यू अपने बीवी बच्चे घर परिवार माँ बाप सबको हमने त्याग करके हमने सिर्फ एक सन्यासी रूपी जीवन धारण किया और दिन रात सुबह शाम ठंडी गर्मी बारिश में सिर्फ जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, सिर्फ जो शासन प्रशासन की योजनाएं हैं उनके तक पहुँचे, उनको उसका लाभ मिले, उसको दिलाने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ा था और उसके तहत मैंने काम किया। जनता का विश्वास तो उससे भी 4 गुना और ज़्यादा होने वाला है। जनता और विश्वास करेगी और जनता ये मान लेगी कि कमांडो वाकई में लोहा है। अभी हमारा अभियान होगा कि हम जन मिलन समारोह रखेंगे और त्योथर जोड़ो यात्रा रखेंगे और त्योथर को जिला बनाया जाए, इसका भी अभी जो हमारे और मुद्दे बाकी थे अभी उस पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इस जनता के साथ मिल करके, जनता को साथ ले करके उन्होंने जो ये त्याग किया है और त्याग करके उन्होंने जेल गए, इनके जेल जाने से जनता बहुत होशियार है। जनता को ये मालूम हुआ है कि उन्होंने जेल हमारे लिए गए हैं, शासन प्रशासन जो हमारे साथ अत्याचार हमारी कमियों को नहीं सुना है, उसके कमियों को विरोध गौतम जी ने किया है, उस कारण से जेल गए हैं। तो इनका जनता और स्वागत और प्रेम रखेगी और जनता और प्रेम करेगी इनसे, यहाँ तक कि जनता के बीच में और जनता के दिलों में इन्होंने समा गए और समा करके, और हम अतुलित बलधामम बजरंग बली से विनती करता हूँ सभी लोग कि गौतम जी को उनको इतनी ताकत दे भगवान हनुमान जी को, जनता की और प्रखर सेवा कर सके और जनता की सेवा करके और जनता को खुश कर सके। यही धर्म भी है, यही सिद्धांत भी है और धर्म सिद्धांत तो उन्होंने एक आर्मी के सेना में जो 22 साल उन्होंने सेवा किया है उन्होंने ही बताया है और उसी बात को लेकर के वो जनता के बीच में रह करके सेवा कर रहे हैं। जेल जाना भी खराब बात नहीं है, जेल अगर गड़बड़ कर रही हुई प्रशासन के विरोध में अगर हम बोल रहे हैं तो जेल जाना भी अच्छी बात है और जेल से आकर के जनता की सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है। जनता के मन में, जनता के दिल में ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत जगह होती है और वो जगह भविष्य में, हम तो बजरंगबली से निवेदन कर रहा हूँ कि आपको लड़ने की
और सही न्याय दिलवाने की, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाने की ताकत प्रदान करें। जय श्री रघुनाथ स्वामी।